आज जो प्रोग्राम हुआ है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। अब तक जितने भी प्रोग्राम में गया हूँ मैं, किसी भी पर्पज से गया हूँ, सबसे ज्यादा दिल को जो खुशी पहुंची है वो यहाँ के पहुंची है। मोस्टली कुछ जी ने काफी बातें कही दी हैं, मैं बस 2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा चीजें नहीं कहनी मुझे। पहले तो हमने अभी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के लिए तालियां बजाई हैं। जो बाकी बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा, पहले उनके लिए तालियां बजा दीजिए एक बार। बच्चों के लिए बस एक सुझाव है मेरा, वो है खेलना। आप अभी नर्सरी केजी फर्स्ट के बच्चे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पर खेलना, मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर जो खेलते हैं प्लेग्राउंड में खेलना, स्पोर्ट्स, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक मानसिकता है कि खेलने से टाइम बर्बाद होता है, पर अगर जो आप देखें तो मोस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे गणित में बच्चे वीक होते हैं, जब उनसे बोलो मैथ्स में एक प्रॉब्लम दे दो, फॉर एग्जांपल छोटी सी प्रॉब्लम, 6 + 4 कितने होते हैं, छोटे नर्सरी बच्चे की बात कर रहा हूँ, उसको समझ नहीं आएगा क्या बोलूं। पर जब वो क्रिकेट देख रहा है तो आराम से बोल लेगा 6 + 4 = 10 रन हो गए इसके। तो ये स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि आप कैसे, गणित स्पेशली जो बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है गणित, तो बच्चों के लिए तो बस ये खेलना मेन है मेरा, माँ बाप के लिए। और ये आपको सुझाव एक इस तरीके से नहीं दे रहा हूं मैं कि माँ बाप की तरह, एक बच्चा मैंने जो बचपन में देखा है कि कैसी पेरेंटिंग बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कारगर हो सकती है, तो उससे रिलेटेड है। अभी माँ बाप माता पिता कितने हैं यहाँ पे बच्चों के, बाकी लोग वो होंगे आई थिंक, तो एक तो ये बहुत बड़ी होड़ लगी रहती है समाज में कि फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। उसी से कंपैरिजन करना बच्चों का, घर पे जाओगे बोलेंगे इसके तो इतने मार्क्स आ गए, इसके तो इतने मार्क्स आ गए, आप सोच नहीं सकते कितना गहरा प्रभाव पड़ता है बच्चों का इसके। बच्चों का क्या आपके खुद के जीवन पर प्रभाव पड़ता होगा जब आपको कंपेयर किया जाता होगा किसी और से, तो एक तो कंपैरिजन बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। हर बच्चा एक यूनिक होता है, बचपन में हो सके वो पढ़ाई में मार्क्स ले पाए, पढ़े होके बहुत बड़ा काम कर दे, पर जैसे आपने उसको कंपेयर करना शुरू करा दिमाग बिल्कुल संकुचित हो जाएगा, बिल्कुल वो नहीं, कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ही मर जाएगा। इसी से रिलेटेड है पेरेंटिंग स्टाइल, ना तो बच्चों को बहुत ज्यादा छूट दें और ना ही उसके पीछे डंडा लेके पड़े रहें, उसका उसको एक डेमोक्रेटिक, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है ऐसे डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा बच्चों का फायदा होगा। एक स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए, अभी मनीषा जी ने जो सिंगिंग करी है और भास्कर जी ने जो पोयम पढ़ी है उसका ही निचोड़ है ये कि मैं यूपीएससी से बना हूँ आईएएस, हमारे जिस वर्ष मैंने किया उस दिन टॉप 3 में लड़कियां थी, पिछले वर्ष भी टॉप 2 में लड़कियां थी, और मैं आईआईटी दिल्ली से पढ़ा हूँ तो हमें डर लगता था लड़कियों से क्योंकि वो इतने अच्छे होते थे हर काम में, जिसको भी मौका मिल गया लड़कियों को वो सब पीछे छोड़ देते हैं लड़कों को, पर आपको मौका देना है वो घर से देना है मौका। शुरू में आप कंपेयर करेंगे कि लड़की है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। बाकी एक बार तालियां परफॉर्मेंस करना, तनिष्का ने बहुत अच्छा डांस किया, जैस्वी ने बहुत अच्छा डांस किया और लॉरेंस ने, उनके लिए भी एक बार तालियां बजा दी। बाकी मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ कि मुझे निकलना पड़ेगा, किसी का भी डांस या परफॉर्मेंस कट मत करिएगा, सबको आप अपना परफॉर्मेंस जारी रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। के साथ इनको सम्मानित करेंगे और तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, सभी ने अच्छी भावना दी है तो उसके लिए भी जोरदार तालियां। साथ ही साथ हम सम्मानित करेंगे डॉक्टर कुलदीप सत्यावासी।